एक टर्म है नेटवर्क आईडी। जो अभी आपने निकाली है नेटवर्क आईडी, कैसे रिकॉग्नाइज करें नेटवर्क आईडी, यानी बिना कैलकुलेट किए भी आप चाहें तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे? नेटवर्क आईडी जो होती है, याद रखें कि वो 32 बिट्स की होगी। नेटवर्क आईडी 32 बिट्स की होगी। कैसे पता लगेगा या कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हुए? इफ ईच बिट बिलोंग्स टू होस्ट, इन एनी आईपी एड्रेस, इफ ईच बिट बिलोंग्स टू होस्ट इन एनी आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट जीरो, हर एक बिट जीरो रिप्रेजेंट करे किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर, देन दैट आईपी एड्रेस नोन एज नेटवर्क आईडी। यानी कोई भी 32 बिट का नंबर आपको दे रखा हो, अगर उसके अंदर होस्ट की हर एक बिट जीरो है तो वो नंबर एनआईडी होगा। कैसे देखते हैं, थोड़ी देर में भी समझाते हैं। एक दूसरा टर्म है इसी तरह का, ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी भी 32 बिट्स की होती है। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इफ ईच बिट बिलोंग्स टू होस्ट इन एनी आईपी एड्रेस, इन एनी आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट वन, देन दैट आईपी एड्रेस नोन एज ब्रॉडकास्ट आईडी। अब कैसे कैलकुलेट किया जाए नेटवर्क आईडी को और ब्रॉडकास्ट आईडी को?